Hey friends, welcome back to our channel. This is your host Divya. Today I'm coming with a new project which is located at Khargar. Project name is Sai World Empire, a project by Paradise Group. So चलिए friends, हम लोग details में बात करते हैं about this project. उसके पहले अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please हमारे channel को subscribe कर लीजिए. अगर हम location की बात करेंगे तो ये project Khargar में है. सेक्टर 37 में ये प्रोजेक्ट आता है. यहाँ से अगर हम मेट्रो स्टेशन देखेंगे तो यहाँ से अमन दूत मेट्रो स्टेशन काफ़ी पास में रहने वाला है. आप आराम से 200 मीटर के डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन आप कनेक्ट कर सकते हो. अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट खारगर से काफ़ी पास में है. खारगर आराम से यहाँ से 10 मिनट में आप ड्राइव करके जा सकते हो. यहाँ से शेयर ऑटोज़ भी मिलती है. और अगर हम बात करेंगे यहाँ से वसई विरार के लिए तो यहाँ से डायरेक्टली शटल्स मिलती है. मुंबई साइन हाईवे भी यहाँ से काफ़ी पास में है. 5 से 7 मिनट में आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो, हाईवे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो. उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के यहाँ पे डिस्टेंस पे आपको वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो. उसके अलावा अगर आप नावा शेवरी हार्बर लिंक देखोगे तो वो भी आप आराम से 20 से 25 मिनट्स में आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो. यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है. सो दिस इज़ मेन एंट्री. फर्स्ट फेज में हमारे 3 बिल्डिंग्स आने वाले हैं. फर्स्ट सीजर, सेकंड अलेक्जेंडर एंड थर्ड इज नेपोलियन. सो ये 3 टॉवर्स आपको मिलने वाले हैं जिसका पजेशन आपको इसे दिसंबर में मिलेगा 2023 में. ये है हमारा क्लब एथेना. क्लब एथेना हमारा G+5 स्टोरेज का है एंड इसके अंदर आपको बैंकेट हॉल, सोना बाथ, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाला है क्लब एथेना के अंदर. यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आउटडोर अमेनिटीज़ मिलने वाली है, सारी अमेनिटीज़. सो हमने अलग अलग थीम के आपको अमेनिटीज़ दिए हैं, अलग अलग किंगडम से हमने थीम वाइज बनाया है. सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे. यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फेज़ 1 का जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, तीनों बिल्डिंग. सो इसका पोजीशन आपको मिलने वाला है ये दिसंबर में 2023 में. और ये हमारा लग्जरी किंगडम है. हमारे सामने है हमारा क्लब एथेना. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर एक्चुअल एंट्री. और यहाँ पे आपको मिलता है सिटिंग आउट एरिया. और आप देख सकते हो कितना लग्जरी फील हो रहा है यहाँ पे. आगे की तरफ हम आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्यूटीफुल सा फाउंटेन. ये है आपकी बिल्डिंग का पैसेज. यहाँ पे आपको मिलने वाला है टोटल 4 लिफ्ट्स. अभी हम एक्चुअल फ्लोर पे हैं. यहाँ पे आपको टोटल 7 फ्लैट्स मिलने वाला है जिसमें आपको 2 BHK के 2 फ्लैट मिलने वाले हैं, 3 BHK के आपको 4 फ्लैट्स मिलेंगे और 4 BHK का इच फ्लोर पे आपको 1 फ्लैट मिलेगा. सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको 4 BHK का हमारा ये सैम्पल फ्लैट दिखाती हूँ. इसके अगर कार्पेट एरिया की बात करोगे तो आपको 2093 स्क्वायर फीट आपको इसका कार्पेट एरिया मिलने वाला है इस फ्लैट का. आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, एल शेप में हमने आपको हॉल दिया हुआ है. यहाँ पे ये साइड पे आप अपना सोफ़ा अरेंज कर सकते हो और ये साइड पे आप अपना टीवी अरेंज कर सकते हो. इसके इससे अटैच आपको मिलने वाली है बालकनी जो कि काफ़ी बड़ी है. आप देख सकते हो बहुत बड़ी आपको बालकनी मिलेगी. और ये साइड पे आप अपने लिए डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. आगे हम पैसेज में आएंगे आगे की तरफ. ये साइड में आपको मिलने वाला है किचन. किचन भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा आपको किचन मिलने वाला है. ये रहेगा आपका मेन प्लेटफॉर्म. यहाँ पे कैबिनेट्स आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो जैसा आपको चाहिए. यहाँ पे आपको मिलने वाला है वेंटिलेशन के लिए विंडो, ऐसा रहेगा. प्लस आप इसको ओपन कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन भी अरेंज कर सकते हो. यहाँ पे आपको डेवलपर की तरफ से आपको मिलने वाला है गैस हॉब प्लस इलेक्ट्रिक चिमनी आपको डेवलपर की तरफ से मिलने वाला है. और आप हाइट भी देख सकते हो, 10 फीट का आपको हाइट मिलने वाला है फ्लैट के अंदर. ये साइड में आपका बेसिन रहने वाला है. आगे की तरफ हम आएंगे, ये साइड में है वॉशरूम. यहाँ पे हमने मिरर लगा के दिया है प्लस बेसिन दिया हुआ है, कॉमन बेसिन. और इसके साथ ही आप देखोगे तो ये मिलने वाला है आपको वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम. ये साइड में आपको मिलने वाला है बाथ और यहाँ पे रहेगा आपका फ्रेश रूम. सो ये रहने वाला है आपका बेडरूम. दिस इज़ योर कॉमन बेडरूम. यहाँ पे आप देख सकते हो हमने किंग साइज़ का बेड अरेंज किया हुआ है. उसके बाद भी फ्लैट में काफ़ी स्पेशियस है. ये साइड में आप वॉल ड्रॉप अरेंज कर सकते हो.
सो आगे की तरफ हम आएंगे, ये मिलने वाला है आपको मास्टर बेडरूम अटैच विथ वॉशरूम। ये जो कमरा है, ये जो रूम है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है 4 BHK का। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने किंग साइज़ का बेड अरेंज किया है। उसके बाद आपको इसमें मिलने वाली है बैल्कनी, काफ़ी बड़ी बैल्कनी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको मॉस्किटो नेट लगा के मिलता है, सो डबल आपको विंडो मिलने वाला है। ये साइड में आपके लिए टीवी अरेंज कर सकते हो, स्पेस काफ़ी है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो जैसे आपको अरेंज करना है। और यहाँ पे रहने वाला है आपका, यहाँ पे मिलने वाला है आपको वॉक इन वॉलड्रॉप। सो ये साइड में आप अपना पूरा वॉलड्रॉप बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आपको चाहिए। आप अपने लिए ड्रेसिंग टेबल बनवा सकते हो सेम लाइक जैसे हमने बनाया है। इसके साथ ही आपको मिलने वाला है अटैच वॉशरूम, यहाँ पे आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम। और ये साइड में रहेगा आपका बाथ, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये मुझे ये 4 BHK का फ्लैट काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, स्पेशली ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप अपने लिए ड्रेसिंग टेबल और वॉलड्रॉप आपको मिलने वाला है। सो फ्लैट का ये साइड हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम दूसरा साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे फ्लैट का। और इसके साथ ही मिल जाता है आपको बेडरूम। सो दिस इज़ योर 3rd बेडरूम अटैच विथ वॉशरूम। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, हमने किंग साइज बेड अरेंज किया है। यहाँ पे हम फ्लैट के अंदर हम किंग साइज का बेड इसलिए लगाते ताकि हमारे क्लाइंट्स को समझ में आए कि हमारा फ्लैट कितना बड़ा है। यहाँ पे आपको किंग साइज़ का बेड रखने के बाद में भी काफ़ी सारा आपको स्पेस मिलने वाला है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही आपको मिल जाता है अटैच बैल्कनी। और यहाँ पे आप आओगे सो यहाँ पे भी आपको सेम वॉक इन वॉलड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। ये साइड में आप अपने लिए ड्रेसिंग टेबल बना सकते हो और इधर आप बना सकते हो अपने लिए वॉलड्रॉप। सो पूरा फुल हाइट का आप वॉलड्रॉप बनवा सकते हो, स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये रहने वाला है आपका अटैच वॉशरूम, आप देख सकते हो वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। ये साइड में आपको मिलने वाला है बाथ और यहाँ पे रहेगा आपका फ्रेश रूम। पैसेज में हम आगे की तरफ आएंगे। सो ये रहने वाला है आपका लास्ट बेडरूम जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये आप देख सकते हो ये रहने वाला है आपका बेडरूम, 4th बेडरूम। और इसके साथ में मिल जाती है आपको अटैच बैल्कनी, ये आप देख सकते हो इसके साथ भी आपको अटैच बैल्कनी मिलती है और अटैच बैल्कनी काफ़ी बड़ी है। आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो, आप देख सकते हो हमने कितना ब्यूटीफुली हमने डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छे से हमने फ्लैट को अरेंज किया है। आप ऐसे ही अरेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आप देख सकते हो हमने कैसे डेकोरेशन किया है। आगे की तरफ हम आएंगे, सेम आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है वॉक इन वॉलड्रॉप का। ये साइड में पूरा हमने वॉलड्रॉप बनाया है तो आपको फ्लैट के अंदर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप यहाँ पर अपना सेल्फ बनवा सकते हो। ये साइड में आपका ड्रेसिंग टेबल रहेगा और सेम अटैच इसके साथ में आपको मिलने वाला है वॉशरूम। ये रहेगा आपका वॉशरूम, यहाँ पे अगेन सेम आपको बाथ मिलने वाला है और ये साइड में रहेगा फ्रेश रूम। तो वॉशरूम भी आपका काफ़ी बड़ा है। आपको वॉशरूम के अंदर जो भी फिटिंग्स मिलेगी, सारे फिटिंग्स आपके ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाले हैं। वॉशरूम के अंदर आपको फुल टाइल्स मिलने वाला है सारे ही वॉशरूम में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रेडी टू मूव इन घर चाहिए तो यहाँ पे आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सारे ही कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गए हैं। विद इन अ मंथ आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा और वो भी लग्जरी प्रोजेक्ट में।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोजेक्ट आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको साइट विजिट करना है तो हमारा व्हाट्सएप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, उससे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आपके लिए साइट विजिट शेड्यूल हो जाएगा। और अगर आपको हमें कॉल करना है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू सो मच।